हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम जम्मू यूनिवर्सिटी का बीएड सेमेस्टर 2 का सेशनल वर्क डिस्कस करेंगे फॉर द कोर्स नंबर 207 जो है हमारा योगा एजुकेशन। तो उसकी सेशनल फाइल को डिस्कस करते हैं हम। बट अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करो, फिर वीडियो को देखना स्टार्ट करो। तो चलिए, हमारा आज का टॉपिक रहेगा योगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखी है योगा के बारे में कि योगा क्या होती है। आफ्टर दैट वन लाइन में, वन पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया है कि योगा का ओरिजिन कहाँ से हुआ, योगा कहाँ से आई। देन द नेक्स्ट इज अ कौन था फाउंडर योगा का, ठीक है। तो आई होप आपने साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इस चीज़ का, या वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। और देन मैंने लिखा है मीनिंग क्या है योगा का। अगर किसी को इस सेशन फाइल की नीड है पीडीएफ फॉर्मेट में, सो प्लीज़ कमेंट डाउन ताकि मैं आपको ये इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा सकूं। और भी किसी सब्जेक्ट के सेशन फाइल की नीड हो प्लीज़ मुझे बताओ ताकि मैं आपको सेशन फाइल दे सकूं। कोई ऐसा टॉपिक है जो स्पेसिफिकली आपको चाहिए सेशन फाइल के रिलेटेड, उसका भी आप कमेंट कर सकते हैं। सो ये है नेक्स्ट पेज पे हमारा मीनिंग ऑफ योगा को मैंने कंटिन्यूटी किया है। देन द नेक्स्ट टॉपिक मैंने जो मेंशन किया है कि टर्मिनोलॉजी ऑफ योगा क्या है, योगा किस वर्ड से ड्राइव हुआ है या योगा का क्या मतलब होता है संस्कृत फॉर्म में। द नेक्स्ट इज अ पर्पस ऑफ योगा क्या है, इसको एज अ वन पैराग्राफ में लिखने को जस्ट डिफाइन किया है मैंने कि हमारी बॉडी का मतलब यूनाइट होती है हमारी बॉडी, ठीक है, गॉड के साथ, ठीक है, इस तरह से। देन डेफिनेशन ऑफ योगा जो हमारे ऑथर्स ने डेफिनेशंस दी होती हैं, उन डेफिनेशंस को यहाँ पे लिखने की कोशिश की है। तो सबसे पहले बेसिकली हम जनरली योगा की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये भी कुछ और डेफिनेशंस है। आफ्टर दैट कि एम क्या है या फिर ऑब्जेक्टिव क्या है योगा के, वो लिखे गए हैं यहाँ पे। और ये लास्ट लाइन थी एम एंड ऑब्जेक्टिव की, ओके। सो आफ्टर योगा की इंट्रोडक्शन के बाद हमारा टॉपिक रहेगा कि बहुत सारे टाइप के आसन्स होते हैं योगा में, है ना। तो वाइट साइड के पेज पे आपको इन आसन्स की खुद मतलब इन आसन्स को करते हुए अपनी पिक्चर्स को पेस्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट आसन लिखा है वज्र आसन क्या है। पहले तो जस्ट एक पैराग्राफ में डिफाइन किया गया है कि ये आसन क्या है या किस लिए हम यूज करते हैं या किस टाइम हमें करना चाहिए, ठीक है। जब ये चीज को मैंने लिखा, फिर उसके बाद मैंने इसका प्रोसीजर लिखा, वज्र आसन का प्रोसीजर लिखा या स्टेप्स लिखे जिससे आपको वज्र आसन जैसे आपको परफॉर्म करना होता है। ये भी उसके कंटिन्यूटी में स्टेप्स हैं, टोटल 10 स्टेप्स हैं वज्र आसन के। देन मैंने लिखी है बेनिफिट्स कि वज्र आसन का क्या बेनिफिट होता है। तीन बेनिफिट्स को मैंने यहाँ पे लिखा है, आप ज़्यादा भी लिख सकते हो बट मैंने सफिशेंटली लिखा है इतना कि बहुत ज़्यादा फाइल वर्क ना रहे। देन है हमारे प्रिकॉशंस कि क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए हमें इन आसन्स को करते टाइम, कि स्ट्रेट बैठना है, स्पाइन स्ट्रेट रखनी है, ठीक है, जो चीज़ों का ध्यान रखते हैं हम योगा को, योगा एक आर्ट है, इसको बड़े ध्यान से करते हैं, तो ये सारे प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए करते टाइम, तो वो मेंशन की गई है। और फिर लास्ट है कि कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, ठीक है। जैसे कि मान लो किसी को नी पेन है, ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि जिनको नी पेन रहती है या डॉक्टर ने नीज को बेंड करने से मना किया है, नीज की ज़्यादा मूवमेंट से मना किया है, तो वो लोग वज्र आसन को परफॉर्म नहीं करेंगे। ये है हमारा नेक्स्ट आसन जिसको हम जानते हैं हस्तो स्तना आसना के नाम से, ठीक है। तो पहले मैंने डिफाइन किया है कि वो क्या है, मतलब क्या उसका मीनिंग है, कैसे ये वर्ड ड्राइव हुआ, तीन वर्ड से बना, हर तीनों वर्ड्स का मतलब क्या है। जैसे हस्त का मतलब हमारा आर्म्स होते हैं, उतना का मतलब स्ट्रेच होता है कि आर्म्स की स्ट्रेच को करना, और आसना मतलब कि पोस्चर, ठीक है। तो जब इसको लिखा गया, फिर उसके बाद मैंने प्रोसीजर बताया या स्टेप्स बताए हैं इस आसना को करने के लिए।
आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये रहे उसके बाकी के स्टेप्स, एंड स्टेप्स के बाद यहाँ पे उसके 4 बेनिफिट्स बताए गए हैं और 3 प्रिकॉशंस बताए गए हैं जो आपको लेने हैं इस आसना को परफॉर्म करते टाइम। एंड लास्ट इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन कि क्या कौन लोग ऐसे हैं जो ये इसको नहीं करेंगे, जैसे किसी को हर्निया की प्रॉब्लम है या किसी को एब्डोमिनल में कोई इन्फेक्शन हो चुकी है तो उन लोगों को ये आसना करने से मना किया जाता है। द नेक्स्ट थर्ड वन इज़ अ भुजंगासन। तो भुजंगासन क्या है, कैसे बना, क्या मतलब 2 वर्ड से बना है, क्या मीनिंग है उसका, ठीक है, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे डिफाइन किया है। देन यहाँ पे मेंशन किया है कि क्या प्रोसीजर है। और ये हैं उसके कुछ बाकी के स्टेप्स, टोटल 8 स्टेप्स हैं हमारे इस भुजंगासन को परफॉर्म करने के लिए। एंड देन मैंने 4 बेनिफिट्स बताए हैं उसके। आफ्टर मूविंग दैट ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेने चाहिए। ये कुछ बाकी के प्रिकॉशंस हैं और फिर लिखी है कॉन्ट्राडिक्शन की क्या लोग हैं या कौन कौन इनको नहीं करेगा, जैसे किसी को ट्यूबरक्लोसिस है, इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है, हर्निया है, ठीक है, कोई पेन है तो वो लोग नहीं करेंगे। द नेक्स्ट इज अ सुखासना। फर्स्टली इंट्रोडक्शन दी गई है कि कैसे ये ड्राइव हुआ, किस वर्ड से ड्राइव हुआ, क्या इसका मीनिंग है, इन सब के बारे में बताया गया है टोटली। देन प्रोसीजर क्या रहेगा इसका, क्या स्टेप्स हैं इसके, तो टोटल 6 स्टेप्स हैं इस आसन के, उनको लिखा है मैंने यहाँ पे। देन उसके बाद मैंने बेनिफिट्स लिखे हैं, तो इसके स्टेप्स कम थे तो मैंने जैसे बेनिफिट्स ज़्यादा लिखे, या फिर ये कुछ यूनिक सा आसन है जिसको हम नहीं बहुत लोग जानते तो इसलिए भी इसके स्टेप्स बेनिफिट्स को मैंने ज़्यादा लिखा। टोटल 10 बेनिफिट्स आपको दिख रहे होंगे उस पेज पे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। मूविंग टूवर्ड देन कि क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए आपको इसको परफॉर्म करते टाइम, और कौन सी ऐसी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, कौन से ऐसे लोग हैं जो इनको नहीं करेंगे, किसी को जॉइंट प्रॉब्लम है तो वो नहीं करेंगे, नी में प्रॉब्लम है वो लोग नहीं करेंगे इस आसना को। अगला आसन है हमारा त्रिकोण आसना। तो पहले जैसे कि सभी आसना में डिफाइन किया गया है कि किस वर्ड से ये ड्राइव हुए या क्या इस क्यों इनका ये नाम पड़ा, उस चीज़ को लिखा है। आफ्टर दैट तो आपको पता है कि हमें इसके स्टेप्स प्रोसीजर को लिखना है, तो टोटल इस आसना के 10 स्टेप्स हैं। आपकी स्क्रीन पे आपको विजिबल होंगे त्रिकोण आसना के स्टेप्स हैं ये 10 के 10। आई होप आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। देन मैंने बेनिफिट्स बताए हैं इस त्रिकोण आसना के। एक तो बेनिफिट्स ये लिखा है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्पाइन में हेल्प करता है। देन बाकी के बेनिफिट्स ये रहे और फिर इसके प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेने चाहिए इसको करते टाइम, और लास्ट में यहाँ पे लिखी गई है कॉन्ट्राडिक्शन कि कौन से ऐसे लोग हैं जो इसको परफॉर्म नहीं करेंगे या क्या ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपको उस टाइम के लिए इसको नहीं परफॉर्म करना है, कि अगर किसी को बैक पेन है तो उसको ये नहीं करना है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इसकी इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, ये एजुकेशंस में योगा का क्या ज़रूरत पड़ी, तो ये मैंने लिखा है कि हम योगा एजुकेशन को एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो योगा हम सिखा रहे हैं या टीचर्स को सिखाई जा रही है ताकि वो बच्चों को सिखा सकें, तो क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी इसकी एजुकेशनल थिंग में कि हमने योगा इंट्रोड्यूस की। तो जैसे कि आप जानते हैं योगा एक बहुत बेनिफिशियल है स्ट्रेस मैनेजमेंट से लेके, एंगर मैनेजमेंट से लेके, एंजाइटी से लेके, आपकी बॉडी पोस्चर से लेके, आपके वेट से लेके, आपकी फटीग से लेके, आलस से लेके, बड़ी सारी चीज़ों से लेके, आपकी पुअर बॉडी पोस्चर से लेके, तो इस सारी चीज़ों की वजह से हमने इसको इंट्रोड्यूस किया गया पीरियड में ताकि टीचर्स को आती होगी तभी बच्चों को सिखाई जाएगी।
ताकि कोई भी टीचर जब अपनी क्लास में जाए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट भी अगर योगा कराए तो बहुत सारी चेंज आ सकती है बच्चों में। तो ये पैराग्राफ्स हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन आउट किए हैं, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और लास्ट में है कंक्लूजन, योगा का कंक्लूजन कि क्या मतलब कि ये है, उसको कंक्लूड करके लिखा है। आई होप आपने इस पेज का स्क्रीनशॉट लिया होगा। ये रहा हमारा नेक्स्ट पेज, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और नेक्स्ट है कि क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा या क्या मेरी पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट रहा इस योगा एजुकेशन के सेशनल वर्क योगा को करने के बाद, इन आसनास को परफॉर्म करने के बाद। ये रहा उसका लास्ट। तो ये था आज का हमारा सेशनल वर्क बीएड सेमेस्टर 2 का फॉर द कोर्स नंबर 207 जो हमारा योगा एजुकेशन है, योगा के ऊपर हमारा सेशनल वर्क था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ये हेल्पफुल हो आपके लिए। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक द कंटेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपकमिंग कंटेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। सो बाय बाय एवरीवन, जल्द मिलते हैं नई वीडियोज़ के साथ।